नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंसानी स्ट्रोक बायोलॉजी पे और आज के हमारे जागरूक जनता के सेशन में। आज हम वीडियो लाए हैं चिकनगुनिया पे और ये सेशंस हमारे उन सभी लोगों के लिए होते हैं जो कि किसी भी चीज के बारे में एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे रूमर्स या मिथ्स ऐसे ही फैल जाते हैं किसी भी बीमारी को लेके या किसी भी चीज को लेके, पर वो सही चीज क्या है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, या हो सकता है कुछ चीजें गलत हो या हो सकता है कुछ चीजें सही हो, पर उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू हम आपको सिंपल साधारण भाषा में साइंटिफिक फैक्ट्स बताते हैं किसी बीमारी को लेके या किसी एक टॉपिक को लेके। तो आज का हमारा टॉपिक चिकनगुनिया पे है, जिसको इस पे एक डिटेल वीडियो या एक साइंटिफिक वीडियो चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका भी वीडियो जरूर लाएंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। तो चिकनगुनिया डेंगू की तरह ही एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि हमें मच्छर के काटने से होता है, और वो मच्छर कौन सा होता है ये मैंने आपको डेंगू वाले वीडियो में भी बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके जरूर चेक करिएगा। तो ये मच्छर है एडीज इजिप्टी, जो कि डेंगू भी सेम मच्छर ही कॉज करता है, या डेंगू भी सेम मच्छर ही करता है। अब आप उसे कैसे पहचानेंगे नॉर्मल मच्छरों से, तो वो आप हमारे डेंगू वाले वीडियो में जरूर जाके चेक करिएगा। तो ये मच्छर भी हमेशा दिन में ही काटता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में काटता है। अगर वो आपके रूम में अगर है या आपके घर में है तो वो आपको रात में भी काट सकता है। अब आप ये सोचते होंगे कि मच्छरों को कैसे पता कि हम यहाँ पे हैं, बिकॉज हमारी आदत है ना इस समय चादर ओढ़ के लेट जाते हैं, पर फिर भी चादर में भी वो मच्छर पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं से वो छोटी सी भी जगह मिलती है और वो घुस जाते हैं। पर वो होता ऐसे है कि मच्छर जो है वो बॉडी उनके पास ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि कुछ ऐसे उनमें चीजें होती हैं, कुछ ऐसी खासियत होती है जिससे कि वो आसपास का टेम्परेचर कहाँ पे, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको वो सेंस कर पाते हैं, हमारी बॉडी की जो हीट है या गर्माहट है उसको वो सेंस कर पाते हैं। इसके साथ ही जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से बाहर, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब जहां पे हम ऑब्वियसली हैं वहां पे हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे आसपास जो है वो CO2 ज्यादा होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे आसपास ज्यादा होगी, इससे भी मच्छर सेंस करते हैं। तो इसके थ्रू मच्छर पहचानते हैं कि हम कहाँ पे हैं, और ये मच्छर जरूरी नहीं है आपको दिन में काटे या रात में भी काट सकता है जैसे मैंने कहा। इसके साथ ही इस मच्छर में ये खासियत है, अगर आपको इससे बचना है तो अपने आसपास आप कोशिश करिए कि पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी इकट्ठा होना इसलिए मना करा जाता है, ये मच्छर या किसी भी तरह का कोई भी मच्छर है, मच्छर हमेशा अपने अंडे पानी में देता है। तो अगर किसी मच्छर ने अपने अंडे पानी में दिए और अपने आपके जहां भी कूलर है या कोई गमले में पानी भरा हुआ है या कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आपके घर पे पानी भरा हुआ है, वहां पे वो अंडे जब हैच करेंगे तो उससे मच्छर निकलेगा। अब वो मच्छर निकलेगा जैसे ही तो उसको भूख लगेगी, तो ऑब्वियसली वो आपके, अगर आपके घर में वो मच्छर का अंडा है तो पहले आपको ज्यादा खतरा है, आपके आसपास वालों को तो है ही, पर आपको तो उनसे ज्यादा खतरा है क्योंकि उनसे ज्यादा पास आप है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने आसपास आप सफाई रखिए। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो लगभग डेंगू की तरह ही है, बिकॉज ये जो एक बीमारी है ना इसमें तो कभी कभी डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं या डॉक्टर्स भी मिस डायग्नोस कर लेते हैं चिकनगुनिया को कि वो डेंगू है, पर एक्चुअली आपको चिकनगुनिया हुआ रहता है, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो भी सेम है, जिससे आप जानेंगे कि आपको कौन सी बीमारी है, यानी कि CBC टेस्ट जो कराया जाता है उससे भी कभी कभी रिपोर्ट से भी कंफ्यूजन हो जाती है, और सिम्टम्स भी लगभग सेम है, जैसे कि आपको बुखार आएगा। अब फीवर जो आपको आता है या बुखार जो आता है वो काफी ज्यादा आपका टेम्परेचर हो जाता है, और चाहे आप पैरासिटामोल खा ले डोलो खा ले वो टेम्परेचर
कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा आपको मतलब आप ठिठुरन होती है आपके शरीर में और आपको बॉडी पेन भी होता है। चिकनगुनिया की खासियत ये है कि जो आपको बॉडी पेन या जो जॉइंट्स में पेन होगा, स्पेशली जो आपके जोड़ों जोड़ हैं, बॉडी के उंगलियां हैं जैसे या घुटने हैं, इन सब में इतना ज्यादा पेन होता है या इतना ज्यादा दर्द होता है कि आप मतलब अगर पैर रखेंगे ना तो उसमें भी मतलब आपको 10 बार सोचने में लगेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। डेंगू में इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है पेशेंट को, और दोनों ही केस में अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप किसी भी तरह की सर दर्द की गोली जैसे एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है, ये सब बिल्कुल भी मत लीजिएगा, भूल के भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये उल्टा आपके लिए जहर की तरह काम करेंगी। ये जो दवाइयां हैं ये आपको ब्लड ये आपके ब्लड को पतला करती हैं, तो इसलिए किसी भी तरह का पेन किलर आप, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत लीजिएगा, वो आपके लिए और हार्मफुल या हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अब आप इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? मैंने सिम्टम्स तो बता दिए, फीवर होगा आपको, जॉइंट पेन्स होगा आपको, सूजन भी आ सकती है आपके शरीर में, या आपको सर दर्द हो सकता है, और नौजिया यानी कि आपको आपका जी मिचलाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा थकान लगेगा, और रैशेस भी हो सकते हैं। अब रैशेस डेंगू के केस में भी होते हैं, पर डेंगू में जो रैशेस होते हैं वो आपके ज्यादातर या तो हाथ में होंगे या फेस पे होंगे, पर जो चिकनगुनिया के केस में रैशेज है वो आपको बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक जगह नहीं है कि हाथ में ही होंगे या फेस पे ही होंगे, ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर डायग्नोसिस की बात करें यानी कि आप कैसे जानेंगे कि आपको चिकनगुनिया हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 3 से 12 दिन का माना गया है। अब 3 से 12 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड का ये मतलब है जब वो मच्छर आपको काटेगा, वो मच्छर के काटने तक जब आपको सिम्टम आएगा तो उसमें 3 से 12 दिन आपको लग सकते हैं, यानी कि डेंगू के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसको पता चलने में। और आप सीबीसी टेस्ट करा के अपना इस जान सकते हैं कि आपको चिकनगुनिया है कि नहीं है, आपके रिपोर्ट्स में अगर प्लेटलेट्स कम होंगी तो आपको पता चल जाएगा। और फिलहाल मैं यही कहूंगी कि डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लीजिएगा, बिकॉज डेंगू और चिकनगुनिया में हमेशा डायग्नोसिस में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा अपनी रिपोर्ट्स आने के बाद। और ये जो सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, ये लगभग आपका आप कहीं भी कराएंगे तो 250 से 400 के रेंज में हो जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। डेंगू और चिकनगुनिया में मेन फर्क क्या होता है? तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि दोनों में सेम होते हैं, ये जितना भी मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे इन सब का आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे फीवर है, हेडेक है, जो जॉइंट पेन्स हैं या जो रैशेज है और थकावट है, वो दोनों में ही होता है, पर फर्क ये है कि जो रैशेज है वो आपको चिकनगुनिया के केस में पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ चिकनगुनिया में आपको बहुत ही ज्यादा मतलब एक होता है ना कि आप असहनीय दर्द होता है आपको चिकनगुनिया में, जॉइंट्स में स्पेशली, मुंह में मेन जो होता है जैसे मेरे को भी हुआ था, तो सिर्फ उसमें थकान ज्यादा होती है, पेन आपको कुछ दिन होगा, 2 से 3 दिन होगा, फिर उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे अपने आप। हाँ, सर दर्द हो सकता है आपको, अगर आपको मतलब आपका प्लेटलेट्स अगर ज्यादा कम हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज अगर प्लेटलेट आपका सही है तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही जो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है चिकनगुनिया के साथ वो ये है कि जो आपके जो जॉइंट पेन्स होते हैं उसमें ये जरूरी नहीं है कि चिकनगुनिया के साथ जैसे ही चिकनगुनिया सही हो उसके साथ ही आपका जो जॉइंट पेन है वो भी सही हो जाए। कई बार ये आपको अर्थराइटिस या किसी तरह का कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दे के जा सकता है, यानी कि आपको इससे बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज आपको फालतू में क्यों ही चाहिए अर्थराइटिस का पेन या किसी भी तरह का कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी आपको क्यों चाहिए, तो इसलिए आप हमेशा सावधानी बरतें। पर चिकनगुनिया में ये भी होता है कि अगर आपको एक बार जिंदगी में चिकनगुनिया हो गया है तो दोबारा आपको नहीं होगा, यानी कि आपको एक लाइफ टाइम इम्यूनिटी एक तरह से मिल गई है। पर डेंगू के केस में क्या होता है कि डेंगू का जो वायरस है उसके 4 से 5 स्ट्रेन होते हैं,
टोटल 4 से 5 ट्रेन होते हैं, तो अगर एक बार आपको मान लीजिए अगर आपको किसी ए स्ट्रेन ने, ए स्ट्रेन वाले डेंगू के मच्छर ने काटा है और दूसरी बार जब आपको डेंगू हुआ तो वो स्ट्रेन दूसरा था, मान लीजिए वो स्ट्रेन बी था, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मान लीजिए वो स्ट्रेन बी था, तो अब वो स्ट्रेन अलग हो गया जिस वजह से आपको फिर से डेंगू हो जाएगा, और जब दोबारा डेंगू होता है वो उससे पहले वाले से ज्यादा खतरनाक होता है और ज्यादा रिस्क होते हैं डेंगू में, ठीक है। तो इसलिए डेंगू में पूरा लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं मिलती है, तो आपको जरूरी नहीं है कि जिंदगी में एक बार होगा, जितनी बार वो आपको मच्छर काटेगा, यानी कि उसके 5 स्ट्रेन होते हैं, तो अगर 5ों बार आपको अलग तरह के स्ट्रेन वाले डेंगू वाले मच्छर ने काटा तो आपको 5ों बार डेंगू हो सकता है, पर अगर सेम स्ट्रेन ने काटा जिससे आप पहले ही मतलब इन्फेक्ट हो चुके हैं तो आपको नहीं होगा, अदरवाइज होगा। पर चिकनगुनिया में सिर्फ आपको जिंदगी में एक ही बार होगा, पर वो बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक वाला दर्द होता है। इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं कि हमें बचना कैसे है, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको नारियल पानी है, सूप है, या जितने भी तरह के जूसेस हैं आप वो ज्यादा से ज्यादा पीजिए, जिससे कि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी ना हो, क्योंकि आपके बॉडी में वैसे ही इतना थकान हो जाती है इसके वायरस, जब वायरल इन्फेक्शन होता है आपको, चाहे वो चिकनगुनिया को हो या और कोई हो, और तो इसलिए आपको एक मतलब हाइड्रेट, अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रहना पड़ेगा जिससे कि आपका बॉडी अच्छे से काम कर पाए। इसके साथ ही आप हेल्दी चीजें या जैसे कि हरी सब्जियां खाएं, और आप कुछ ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। और आपको क्या नहीं खाना है, तो क्या नहीं खाना में जंक फूड जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे, किसी भी तरह का कोई कैफिनेटेड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कॉफी है या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब तो आप पूरी तरह से अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली जब आप बीमार है। वैसे भी अच्छा नहीं है ये, बट बीमारी के टाइम पे तो बिल्कुल भी आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ ही आप कोशिश करिए कि जो आपका जो खाना है वो आप फ्रेश खाना खाएं, मार्केट्स में जो पैक्ड वाले होते हैं वो ना खाएं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और एक बहुत ही मतलब बड़ा क्वेश्चन रहता है लोगों को कि अगर आपको डेंगू है या चिकनगुनिया है तो आप क्या खाएं, मतलब आप नॉनवेज खाएं कि ना खाएं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको चिकनगुनिया है या डेंगी है या जो भी है, आप बीमारी के समय नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि नॉनवेज जब हम खाते हैं तो हमारे लीवर को और ज्यादा काम करना पड़ता है, और इस बीमारी में आपका लीवर भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है, तो आप क्यों उस पे फालतू का लोड बढ़ाए या क्यों उस पे और ज्यादा प्रेशर देना है हमें अपने लीवर पे, हमें जल्दी से अच्छा होना है। तो नॉनवेज में, नॉनवेज चाहे वो अंडा ही क्यों ना हो, आप अवॉइड करें, आप हल्का खाना खाएं जिससे कि वो जल्दी पच जाए और आपको जल्दी न्यूट्रिशन भी मिल जाए। उसके साथ ही आप दूध ले सकते हैं, काउ मिल्क जो कि है, या आप बकरी का दूध भी पी सकते हैं। अब बकरी का दूध आपको क्यों लेना है, इसके लिए तो हमारे डेंगू वाला वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा। और आई होप जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी हो वो आपको पसंद आई होगी अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके साथ ही बहुत जगह लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि डेंगू होने के बाद चिकनगुनिया तो हो ही जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेंगू पूरी तरह से अलग एक वायरस होता है और चिकनगुनिया अलग तरह का वायरस होता है, पर यूजुअली क्या होता है, ये एक रिसर्च पेपर से मैंने ग्राफ लिया है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसको मिल जाएगा। तो इसमें डेंगू वायरस का कर्व दिखाया है, मतलब कौन से महीने में वायरस कितना ज्यादा मतलब लोगों को अफेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है कौन से महीने में, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चिकनगुनिया वायरस का जो है वो लगभग डेंगू वाले रेंज में ही आ रहा है, यानी कि सेम महीने में हमें लोग डेंगू भी फैलता है और सेम महीने में चिकनगुनिया भी फैलता है, इसलिए आप ये कह सकते। और इसका जो मच्छर है वो भी सेम है, सेम तरह के मच्छर से हो रहा है, बस वायरस अलग है, ठीक है। तो इसलिए आप मतलब लोगों को ये मतलब हो सकता है कि आपको डेंगू होने के बाद चिकनगुनिया हो जाए अगर आपको मच्छर ने काट लिया, पर ये कुछ जरूरी नहीं है कि डेंगू होने के बाद चिकनगुनिया होगा ही होगा। अगर आप खुद को मच्छरों से मतलब बचा सकते हैं, या अगर आपको मच्छर ने नहीं काटा तो ऑब्वियसली आपको चिकनगुनिया नहीं होगा डेंगू होने के बाद। तो
तो अगर आपको अभी तक ये डाउट था कि डेंगू होने के बाद चिकनगुनिया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो मच्छर सेम है, और चिकनगुनिया में ये भी होता है कि अगर आपको किसी मच्छर ने काटा, वो मच्छर में वो अगर वो नॉर्मल मच्छर था, वो पहले से ही उसके अंदर वायरस नहीं था, पर आपकी बॉडी से उस मच्छर में वायरस चला गया, अब वो मच्छर जब तक जिंदा है तब तक वो लोगों को इन्फेक्ट करता रहेगा चिकनगुनिया वायरस से। तो इसलिए ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो जाता है, जब तक वो मच्छर जिंदा है तब तक। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपने आसपास सफाई रखिए, पानी का इकट्ठा ना होने दीजिए, बिकॉज जो मच्छर है वो पानी में ही अंडे देते हैं अपने। इसलिए आसपास सफाई रखिए, हेल्दी खाना खाइए, और कोशिश करिए कि नॉनवेज कम खाइए अगर आपको चिकनगुनिया है, जिससे आपके लीवर पे इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद आप एक बार सही हो जाइए, फिर आपको जो खाना हो खाइए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और अगर ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहिए नई नई चीजों के बारे में, तो हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को खूब सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे को। बाय बाय।